यहाँ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ और मैं लास्ट फ्राइडे का शुक्रवार को एक घटना हुई जो कि मेरे एक कलीग हैं राम मेयर जी, ठीक है, तो हम एक सब्जेक्ट में जैसे बी ए जी एम सी के वो टीचर हैं एक्चुअली, तो एक सब्जेक्ट वहाँ पे मैं भी पढ़ाती हूँ, तो किसी कारण से मैंने उनको फ़ोन भी किया था कि सर हमें ये परफॉर्मा फिल करना है तो प्लीज़ आप मेरी सिक्योरिटी में आइए, तो और वो इसी पर मतलब काम के लिए वो आई भी थी एक्चुअली, तो हम लोग सभी टीचर साथ में ही थे एक्चुअली, तो और भी मीटिंग्स किसी और काम से रिलेटेड भी मीटिंग चल रही थी, तो वो हम सभी अपना काम किए जा रहे साथ भी सारे टीचर आ रहे थे और जा रहे थे वो, तो ये राम ने आए वहाँ पे, ठीक है, साथ साथ हम काम किए जा रहे थे और सडनली मैंने एक टीचर के बारे में पूछा कि वो सर कैसे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में ऐसे कुछ वियर्ड टॉक स्टार्ट कर दी उन्होंने ना, तो फिर मैंने उनको बोला भी कि सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो लाइक है ना, तो फिर जैसे भी फिर मैं उसके किसी काम से फिर बाहर चली गई, अपना वो काम निपटा रही थी इंटरनल असेसमेंट वाला, फिर मैं उसके चली भी गई हूँ, फिर दोबारा आई हूँ तो वो वहीं बैठे, मुझे लगा कि सर उसके चले गए होंगे, तो मुझे कुछ अजीब लग रही थी उनकी बातें भी, क्योंकि इससे पहले मेरी आज तक भी इन सर से कोई पर्सनली बात नहीं हुई कभी भी, क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल टर्म्स में वैसे भी एज में काफ़ी बड़े हैं सीनियर हैं, सो ऐसा कुछ एज गैप की वजह से भी हम ऐसे कुछ बात करते भी नहीं हैं, क्योंकि और मेरे स्टाफ में ज़्यादातर फीमेल स्टाफ ही हैं और इनका डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट कर दिया, पहले हमारी बिल्डिंग में था अब उधर शिफ्ट कर दिया गया दूसरे कॉलेज में। तो घटना क्या हुई थी, फिर इसके बाद क्या शिकायत की आपने? फिर अचानक से ये मुझे मेरे पे ऐसे झपट पड़ी है ना, तो मुझे इस तरीके से काफ़ी धक्का करने की कोशिश की और मैंने खुद को बचाया और जैसे मैंने उनको पुश किया तो उनको चोट भी लगी है, तो मेरा हाथ का कड़ा पहनना रखती हूँ मैं, तो वो लगे उनको नाखून भी लगी है इस तरीके से, तो मैंने जैसे भी अपने आप को फिर से बचाना था तो कुछ मुझे कहते मैडम बात सुनो इस तरीके से मुझ पर झपट पड़ा, वो टीचर भी पास में थे पर मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी, इतनी समझ रही मेरा सांस भी नहीं निकल पा रहा था और मेरे पास नहीं जा पा रही थी, तो एनी हाउ मैंने अपने आप को बचाया और तब वो वहाँ से भाग गया। ये एक्चुअली ये फ्राइडे लास्ट प्रशासन को शिकायत दी थी, क्या कर मैंने इमीडिएटली जो हमारे उनको मैंने कॉल किया, बताया मैंने सर ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि आई वॉज वेरी रियली शॉक्ड ना अबाउट दिस इंसिडेंट, और फिर उसके बाद में जैसे भी मुझे लगा कि हायर अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म किया जाए तो मैंने वो भी किया, क्योंकि इट वॉज रियली शॉक्ड है ना, और मैं CDLU की स्टूडेंट हूँ लाइब्रेरी साइंस की। क्या मामला कुछ दिन पहले का है मैम, तो मेरे सिस्टर वहाँ प्रोफेसर हैं जी, उनके साथ राम मेहर सर हैं, कोई छेड़छाड़ की उन्होंने उसकी फैकल्टी में जाके, कुछ गंदे वर्ड बोले, गंदे तरीके से ट्रीट किए उन्होंने अपनी तरफ से पुश करके, जैसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया, फिर हम सब लोग मतलब जाके उन्होंने नेक्स्ट डे सिस्टर ने मुझे बताई ये बात, बहुत परेशान थी घर में नहीं बताई, डिप्रेशन में आ गए हम लोग, चलो फिर हमने आगे डीन की मीटिंग की, सर के आगे अपनी प्रॉब्लम रखी, जैसे भी सब टीचरों ने है ना मिलकर, फिर VC सर के पास भी गए जो भी उन्होंने अपनी तरफ से चलो मीटिंग बुलाते हैं, चेयरपर्सन के पास भी गए जो वहाँ वुमेन सेल कमेटी की मैडम्स हैं उनके पास भी गए, पर उसके बाद कब अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। वो सर के जो कोई फ्रेंड थे कृष्ण सर हैं है ना, मैं स्टूडेंट हूँ, उनको पता था कि मैं इनकी सिस्टर हूँ, मैंने तो ऑलवेज आना ही है, अपनी क्लास लगाने आ रही हूँ मैं, अपना पढ़ने आ रही हूँ, ओके, उस चीज़ का दिमाग में इशू चल रहा था, सर आ रहे नहीं आ रहे थे, बच रहे थे क्योंकि उसको अपनी गलती का पता था, ठीक है, और वो मुझे उन्होंने मुझे देखा, उनकी ड्यूटी थी आज मतलब एग्ज़ाम सेंटर में उस सर की ड्यूटी थी, मैंने सर की शक्ल नहीं देखी, सर को पता था कि मैं उनकी सिस्टर थी, वो मुझे देखते ही भागे, ये मेरे फ्रेंड हैं जो भी थे मेरे साथ थे, हम जैसे पार्लर के लिए मैडम बुलाया, मैंने कहा चलो आप इकट्ठे घर चलिए पेरेंट्स के घर, मैंने वापस इकट्ठे जाना, वो इतनी ज़ोर से भागा मुझे देख के, तो फिर मुझे पता चल गया कि ये क्यों भागा, और भी सर की ड्यूटीज थी वहाँ पे, वो ही क्यों भागा, वो भाग के डीन सर के मतलब ऑफिस में छुप गया जाके, ठीक है, उन्होंने रोका, जो सिक्योरिटी गार्ड थे सब ने रोका, सर ने रोका, एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने जड़ दिया थप्पड़ जाके, क्योंकि वो मेरी सिस्टर पे ही उंगली कर रहा था, ठीक, मतलब मेरी सिस्टर बहुत होनहार स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ, वो पढ़ा रहे हैं, तो उसने इस तरीके की बदतमीजी की और ऊपर से छुप के भी बैठा और ब्लेम हम लोगों को कर रहा है। तो ये कोई छोटी सी घटना देखो है नहीं है, मेरी सिस्टर के साथ आज हुआ, बच्चों के साथ भी हो सकता है। हम ड्यूटी थी
APJ अब्दुल कलाम भवन में, और मैं एग्ज़ाम ड्यूटी दे के वापस ऑफिस की ओर आ रहा था। अचानक जिन लेडीज़ को मैं जानता नहीं, अननोन हूँ, मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे को थप्पड़ मारी, और उन्होंने पूछा कि क्या आपका नाम राम मेहर है। मैंने कहा हाँ राम मेहर है, जब मैं आ रहा था। तो बोले आपका भी इलाज करते हैं। मैंने कहा बात तो बताओ क्या बात है, इलाज किस चीज़ का, बात क्या बताओ क्या है। तो एक लेडीज उनमें से जो हैवी सी थी, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग सी थी, वो वीडियो बनाने चालू कर दिया और दूसरी वाली मारने को दौड़ी। तो मैंने समझाया था बात तो मेरे दिमाग में आई जा रही थी, तो कुछ और ही चल रहे हैं दिमाग में। तो मैं ऑफिस की ओर भागा और डीन सर के पास आया। डीन सुशील सर के सामने ऑफिस में मेरे सामने हाथापाई की, मेरे को दो तीन थप्पड़ भी मारे। मैं रोकता रहा कि लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन वो कहते हम तेरे को मारने आई हैं, हम तेरे से बदला लेंगी और तेरे को जान से मारने की धमकी दी मेरे को। कारण क्या था मेरे को इसके बारे में, जब उनको जानता ही नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ही बता सकती कि ऐसा क्या कारण था, क्या नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर हमला क्यों किया, कैसे किया, क्या उनके मन में भावना थी, वो उसके बारे में कमेंट वो कर सकती है। कितनी देर किया था सर? कितनी? दो लेडीज थी। नहीं लेडीज थी, छात्राएं नहीं थी, आउटसाइड थी। तो कहाँ पे घटना, कहाँ पे हुई? ये अब्दुल कलाम बिल्डिंग की जो थर्ड फ्लोर है, वहाँ ऑफिस डीन सर का है, वहाँ की घटना है। कितने बजे की सर? 12:30 बजे के आसपास का। पहले किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ होगा? इससे पहले इस प्रकार का हमारा कोई विवाद नहीं है, ना मैं उनको जानता, ना उनको पहचानता, और ना मेरा उनसे कोई परिचय।